हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलकाता लव बर्ड। मैं अविनाश एक बार फिर से आप सबको वेलकम करता हूँ कोलकाता लव बर्ड पे। तो आज फ्रेंड मैं सीड मिक्स बनाने वाला हूँ, मतलब हर एक स्टेज का चिक्स का लिए मैं अलग अलग से सीड मिक्स बनाता हूँ। तो कौन सा स्टेज में बाकी चिक्स को मैं क्या सीड मिक्स प्रोवाइड करता हूँ वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड बोल रहे थे मतलब ये भैया आप एक टोटल सीड मिक्स बनाइए, किस स्टेज में कौन सा बात को क्या सीड मिक्स देना चाहिए। तो चलिए मैं आज बनाऊंगा तो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। और उससे पहले फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने जो उन लोगों को खाना दिया हूँ वो भी थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। आज देखिए मैं सुबह कॉर्न लिया हूँ सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग पे, और अभी मैं उनको ग्रीन फूड देने वाला हूँ। तो ग्रीन फूड में क्या दूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब देने वाला हूँ मैं आज। आज का जो है ये कलमी साग, ठीक है, और उसके साथ ये बीन्स दूंगा, और ये गुआवा भी छोटा छोटा टुकड़ा करके हर एक बार्स को दूंगा, मतलब सिर्फ पाइनएप्पल कुनू ब्लैक कुनू क्लब कुनू को मैं नहीं देता हूँ। छोटा जितना भी बार्स है फ्रेंड्स, बस जीस बोलिए, हॉलैन बोलिए, लबर बोलिए, सबको मैं गुआवा छोटा छोटा टुकड़ा करके एक साथ में सलाद की तरह बना के सारा बार्स को प्रोवाइड करता हूँ। अरे गुआवा काफ़ी अच्छा खाता है हर एक बार्स, मतलब लव बार्स बज्जी सभी अच्छा से खाता है। फिर अब भी देंगे, मतलब देंगे तो देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा खा रहा है। और ये तो कभी कैल्शियम का सोर्स है, तो देने से भी बार्स का अच्छा होता है। फिर तो आज का मेन्यू में मैं बीन्स, ये गुआवा और ये जो है कलमी साग, ये सब मिक्स करके पहले तो ये लोग को धोवा लिया, मतलब धो लिया हूँ अच्छी तरह से फ्रेंड। उसके बाद थोड़ा जब पानी का सूख जाएगा उसके बाद मैं इसको मिक्स करके सारे बार्स को प्रोवाइड करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी ऊपर जाते हैं और आपको जो सीड मिक्स में बनाने वाला हूँ वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है चीना दाना, ये 15 kg लगता है हर एक वीक में, मतलब हर सप्ताह में सीड मिक्स बनाता हूँ और 15 kg मेरा चीना दाना लगता है सब मिला के। तो ये देखिए, ये जो चीना दाना है इसको मैंने पहले तो साफ करके धो लिया हूँ। और इससे भी अगर छोटा दाना होता, मतलब छोटा दाना मैं देता हूँ जो सब चिक्स 1 से 7 दिन तक है, 7-8 दिन, उनको मैं सिर्फ ये चीना दाना ही देता हूँ। ये तो मीडियम साइज़ का है, इसका छोटा साइज मिला नहीं इसलिए, लेकिन अगर आप छोटा दाना देंगे और भी अच्छा होगा। तो 1 से 7-8 दिन का चिक्स उनको सिर्फ ये चीना दाना दूँगा। 8 दिन का बाद जब चिक्स होगा, 8-9 दिन के बाद, इसके साथ कैनरी सीड मिक्स करूँगा मैं, ठीक है ना। तो 1 से 8 दिन सिर्फ चीना दाना, 8 या 9 दिन के बाद इनके साथ कैनरी सीड मिलेगा। ये 15 या 16 डेज तक चलेगा जिनका चिक्स का एज है। उसके बाद इसके साथ मैं मिक्स करूँगा ये वाइट मिलेट, वाइट मिलेट, रेड मिलेट, ये सब आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कैनरी सीड रेड मिलेट मैं आज ले आने वाला हूँ, कल मुझे मिला नहीं था मार्केट पे, तो दूसरी जगह से मैं ले आऊँगा। तो ये वाइट मिलेट है और रेड मिलेट, इसके साथ मैं मिक्स करता हूँ आफ्टर 16 या 15 डेज के बाद जिनका चिक्स का एज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1 से 7 या 8 दिन जब चिक्स का एज होगा सिर्फ चीना दाना व कंगनी दाना, 7 या 8 दिन का बाद इसके साथ कैनरी सीड मिलेगा। मतलब क्वांटिटी में बता देता हूँ, 5 kg के साथ में मिक्स करता हूँ। 5 kg में आप 600 या 700 आप मिक्स कर सकते, व मैं भी मिक्स करता हूँ। 5 kg चीना दाना का साथ 500 से 700 कैनरी सीड, और ये जो वाइट मिलेट है बाय रेड मिलेट है ये मैं मिक्स करता हूँ 5 kg के साथ। तो एज चलेगा, अभी जब चिक्स 25 या 30 डेज का हो जाएगा, मतलब जब बॉक्स से बाहर आने लगेगा, तब मैं इसका साथ ये सनफ्लावर सीड, ये जो कुसुम सीड है, ये जो ब्लैक सीड, ये सब मैं मिक्स करूँगा। मतलब उसके बाद जो सीड मिक्स होगा वो सीड मिक्स में सारा बार्स को प्रोवाइड करता हूँ, जिसका एक है बा एक दिया नहीं, बा जितना भी चिक्स हेल्प हो गया है, ठीक है, या सारे बार्स को मैं ये प्रोवाइड करता हूँ। और उसके साथ मैं ये बाजरा मिक्स करता हूँ। इस हफ्ता मैं बाजरा ऐसे ही दूँगा, लेकिन उसके बाद इस बाजरे से इवेन कैप्सूल, मतलब विटामिन ई जो सोर्स होता है, इवेन कैप्सूल ए में मिक्स करूँगा। उसको मिक्स करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं जब करूँगा आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन ये बाजरा उसी सीड मिक्स में जाएगा जो सेल्फ चिक्स या सेल्फ हो गया है या सेल्फ होने वाला है, या बाकी ज़्यादा सारा बार्स को मैं प्रोवाइड करूँगा, उसी सीड मिक्स पे ये बाजरा जाएगा। बाकी दूसरी किसी स्टेज पे ये बाजरा मैं देता नहीं हूँ,
और ये सनफ्लावर और कुसुम दाना ये भी मैं देता नहीं हूँ फ्रेंड्स। ये सिर्फ वही सीड मिक्स पे जाएगा जिनका चिक्स सेल्फ होने वाला है या सेल्फ हो गया है, उनको सीड मिक्स पे ये जाएगा, ब्लैक सीड ए और सनफ्लावर और कुसुम दाना। क्वांटिटी भी बता देता हूँ मैं, ये 600 ग्राम है, 300 ग्राम सनफ्लावर है और 300 ग्राम कुसुम दाना है और 250 ब्लैक सीड है, लेकिन इतना मैं नहीं दूंगा इसका, 250 ग्राम थोड़ा सा दूंगा, ठीक है ना, 100 या 150 दूंगा 5 केजी में। और ये 700 ग्राम वाइट मिलेट है जो 5 केजी चीना दाना के साथ मिक्स होगा। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो आपको चीना दाना दिख रहा है ये सिर्फ छोटा चिक्स को जाएगा, 1 से 7 दिन का जो उनका एज है, 8 या 9 दिन के बाद इनके साथ कैने सीड मिलेगा। जब चिक्स 15-16 दिन का बाद इसके साथ ये वाइट मिलेट और रेड मिलेट मिक्स्ड होगा, और जब चिक्स 25 से 30 डेज का ओवर हो जाएगा उसके बाद ये सारा जो सनफ्लावर है, कुसुम है, ये ब्लैक सीड है और ये बाजरा, ये मिक्स्ड होगा। अरे पूरा चिक्स बोलिए जितना भी प्यार है बा बड़ा बार से सबको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इस तरह से स्टेज बाई स्टेज में सीड मिक्स ऐड करता हूँ और स्टेज बाई स्टेज में सीड प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह मैं सीड मिक्स हर एक स्टेज के बार्स को प्रोवाइड करता हूँ और ठीक ठीक तक से ग्रो करता है और एक्सपायर भी नहीं होता है उतना ज़्यादा, मतलब एक्सपायर तो करता है फ्रेंड्स एक दो टेम्परेचर की वजह से या पेरेंट्स सबको ठीक तरह से नहीं खिलाता है बा दूसरे किसी वजह से एक दो चिक्स एक्सपायर करता है, लेकिन बाकी सारा जो चिक्स होता है मैक्सिमम जो चिक्स है वो सेल्फ होता है और ठीक तरह से ग्रो होता है। फिर मैं इसी तरह से सीड मिक्स इससे सारे बार्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये सभी आपके साथ भी इससे शेयर करना था फ्रेंड्स, काफ़ी सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा था इसका भी एक वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आता सीखता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।